तो टुडे आई विल स्टार्ट मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। और डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के लिए है, लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी करके पढ़ाया जाता है। और इस मैकेनिक्स में आप लोग को सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है। और इस 5 चैप्टर का नाम देखते हैं, फर्स्ट है फोर्स, सेकंड हो गया इक्विलिब्रियम, तीसरा हो जाता है फ्रिक्शन, चौथा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। पांचवा हो जाता है सिंपल मशीन, अब इसमें जो है सारे में न्यूमेरिकल पूरा भरा हुआ है। एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए कि सभी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन इस तीन का फंडा अलग है और इस दोनों का अपना अपना अलग अलग फंडा। इस तीन का बेसिक जो है इस चैप्टर में छुपा हुआ है, लेकिन ये दोनों अपने ऊपर ही निर्भर है, इसको किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स, ठीक है।